एसएसपी साहब के पास मैं आवेदन देने आया था पूर्व के दिनों। कल मैं जीरो माइल थाने में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया हूँ। जो धमकी मुझे मिला है, मनोज यादव पिता हरिहर प्रसाद यादव, घर लकड़ा कोल, थाना पीरपैती, जिला भागलपुर के द्वारा। क्या धमकी मिला आपको? धमकी मिला कि आपके भाई का जिस तरह से हत्या हुआ है उसी तरह से आपका भी हत्या 10 से 15 दिन के भीतर हो जाएगा, यही धमकी हमको मिला है। एसपी साहब के पास क्या सूचना मिला है? एसपी साहब बोले, एसपी साहब जीरो माइल थाना प्रभारी को फ़ोन किए और बोले कि अविलंब उस पर जाँच कराओ। और वो जो पूर्व के दिनों नक्सल से रिलेटेड कोई शंकर यादव का मामला था, तो जिस तरह नागालैंडी राइफल वगैरह है, एसएसपी साहब ने जीरो माइल थाना प्रभारी को कहा है कि नागालैंडी राइफल उनके पास भी, वो सब जांच करो और इसका क्या कारोबार है, किस तरह का कारोबार करता है, किन लोगों से इनका साठ गांठ है, इनका मोबाइल का पूरा ट्रैक वगैरह निकालने की बात की है। एसएसपी साहब ने मुझे पूरा सूचना मिला है कि आप निश्चिंत रहें। ऑलरेडी मुझे अंगरक्षक मिला हुआ भी है पिछले दिनों ही। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। डर भी लग रहा है आपको? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है। डर तो क्या लगेगा, विधि का विधान है, ईश्वर के हाथ से तय है, एक बार जीना एक बार मरना है, इसलिए मरने का ऐसा कोई डर नहीं है। हाँ, सुरक्षा चाहते हैं, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से सुरक्षा चाहते हैं अपना। पूर्व के दिनों जिस तरह मुझे सुरक्षा मिला था, उस तरह सुरक्षा कंटिन्यू रहे। और इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में भय फैलाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। कल हमें डराने का प्रयास किया, कल किसी और को नहीं डराए, इसलिए इस तरह की कार्रवाई और विलम्ब वैसे लोगों पे होनी चाहिए, यह हम उम्मीद और आशा करते हैं। बल्कि डर भय की कोई बात नहीं, हम लोग तो संगठन में काम करते हैं, अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। मैं जिला जनता दल यू में प्रवक्ता का दायित्व में भी हूँ, लगातार पीरपैती से लेकर सुल्तानगंज तक संगठन के काम से जाता आता हूँ। भय की कोई बात नहीं है, हमें जनता का समर्थन है, हमारे अपने लोगों का सहयोग और आशीर्वाद है, हमें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। सर, आपकी सरकार है और देखिए, हम तो कहें ना कि एसएसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत, कल मैंने आवेदन दिया 2 बजे और शाम के 7 बजे जीरो माइल थाना प्रभारी ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन से संपर्क किया, वो घटनास्थल पे गए, वहाँ सरोज वाटिका के जो मालिक हैं उनसे मिले जुले, कार्रवाई हो रही है। हमारे सरकार में जब घटना घट जाती है, निश्चित रूप से अविलंब कार्रवाई होके और सजा मिलता है, उसी तरह कार्रवाई हो रही है। कितना डरे हुए हैं?